रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नान, जो नॉर्मली हम लोग होटल से मंगा के खाते हैं, वैसे ही सेम नान मैं तवे के ऊपर बना के आपको दिखाऊंगी और सेम टेस्ट भी आपको लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम मैदा लिया है, यहाँ पे मैंने एक ग्लास दूध लिया है, थोड़ा सा गर्म है ये, हल्का ही आपको लेना है, पूरा ठंडा दूध मत लीजिए, थोड़ा सा आपको गर्म दूध लेना है। यहाँ पे मैंने एक टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, एक टीस्पून शुगर है और सॉल्ट है, आपको आधा टेबलस्पून आप डालोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे काला जीरा रखा है मैंने, धनिया पत्ता, लहसुन जिसको मैंने फाइनली चॉप करके रखा है, ये बटर है, इतना हमें चाहिए हमारा नान बनाने के लिए। नान बनाने के लिए हमें पहले आटा गूंदना पड़ेगा। मैंने इसमें मैदा ले लिया है, ये मैंने सारा आइटम इसमें डाल दे रही हूँ। एक चीज मैं भूल गई थी, इसमें हमें ऑयल भी मिक्स करना है, 2 टेबलस्पून आप ऑयल मिक्स कर दीजिए, रिफाइंड ऑयल चाहिए हमें इसके लिए। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट, शुगर सब इसमें अभी डाल चुकी हूँ मैं, इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें। बेकिंग पाउडर इसीलिए हमें डालना है क्योंकि नान अच्छे से फूलेगा और होटल जैसा हमारा नान बन जाएगा। ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब मैं इसमें दूध डाल के इसको गूंदना है, हमें आटे को गूंदना है। ये देखिए थोड़ा हमें और दूध लगेगा, इसमें हमें सॉफ्ट डो बनाना है, ठंडा दूध मत डालिएगा, थोड़ा सा गर्म दूध डालिएगा इसमें। अभी हमें और थोड़ा दूध की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। इसको मैं अच्छे से गूंदना है, अच्छे से मसलना है, थोड़ा सा प्रेशर डाल के 5 मिनट आपको इसे गूंदना पड़ेगा, क्योंकि जितने अच्छे से आप गूंदोगे उतने अच्छे से हमारा नान फूलेगा और अच्छे से बनकर तैयार होगा। देखिए मैंने इसको 5 मिनट अच्छे से पूरा प्रेशर के साथ गूंदा है, अब थोड़ा सा हमें ऑयल डाल के, हल्का सा ऑयल और ऊपर डालना है, फिर इसको थोड़ा सा गूंद देना है, गूंद के 1 से 1.5 घंटे के लिए हमें इसको, एक कॉटन का कपड़ा अगर आपके पास है तो इसको गीला करके ढक दीजिए, ढक कर रख दीजिए इसको, 1 से 1.5 घंटे के बाद हम नान बनाएंगे। ये देखिए मेरा आटा अभी 1.5 घंटा हो चुका है, मैंने इसे रखा था, अभी मैं हम नान बनाने जा रहे हैं, अभी मैं इसका गोला काटूंगी फिर हम नान बनाएंगे। थोड़ा सा आप इससे पहले इसको अच्छे से गूंद दीजिए दोबारा, बस हो गया। आपको साइज दिखा देती हूँ किस साइज का आपको करना है, इसी साइज का एक एक गोला बनाना है, इसे थोड़ा छोटा बना सकते हो, ये भी मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अब तवे के साइज के हिसाब से, और एक चीज़ याद रखिए, ये नॉनस्टिक है, तवे के ऊपर नहीं बनेगा, लोहे का या स्टील का तवे के ऊपर आप इसको बना सकते हो, नॉनस्टिक में बिल्कुल नहीं बनेगा ये। आटा हमने लिया था उसमें मेरा इतना गोला बन गया, 4 लोगों के लिए हमारा ये हो जाएगा।
अभी हम बेलना स्टार्ट करती हूँ मैं। हमें मैदे के साथ इसको लेके, जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही मैदे या आटा के साथ आप लेके इसको बेलना पड़ेगा आपको। आप इसको ओवल साइज में या सर्कल करके कैसे भी आप इसको बना सकते हो, आपको जैसे पसंद है। देखिए हो गया हमारा, ज़्यादा हमें पतला भी नहीं करना है। ये देखिए इतना ही आपको इसको मोटा रखना है। ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा लगा के हम इसमें थोड़ा सा काला जीरा मैं डाल रही हूँ, हल्का सा काला जीरा, थोड़ा सा धनिया पत्ता। इसको मुझे थोड़ा बेलना है क्योंकि अदरवाइज धनिया पत्ता निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको बेल दे रही हूँ। ये हो गया, देखिए अभी हमारा ये धनिया पत्ता और काला जीरा दोनों ही थोड़ा सा अंदर जा चुके हैं। ये हो गया, अब आपको दिखा रही हूँ इसका नेक्स्ट प्रोसीड्यूर। इसमें हमें एक साइड में पानी लगाना है, अच्छे से पानी को स्प्रेड कर देना है। देखिए मैंने पूरा अच्छे से पानी लगा लिया। देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है, देखिए मैंने देख लिया हीट आ रहा है मेरे हाथ में। जिस साइड में हमने अच्छे से पानी लगाया था उसी साइड को हमें नीचे में डालना है। देखिए और थोड़ा सा हमें इसको प्रेस कर देना है। इसको हमें 2 मिनट तक सेकने देना है। ये देखिए अभी ये हमारा एक साइड अच्छे से हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, आपको तवा को उल्टा करके थोड़ा सा आपको चूल्हा को ज़्यादा हाई नहीं करना है, मिडिल आंच में रख के आपको दूसरे साइड को भी आपको सेकना है अच्छे से, थोड़ा ब्राउन होने तक। देखिए आपको दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए इसे हमें थोड़ा और सेकना है। ये देखिए, ये देखिए हमारा अच्छे से सेक लिया मैंने। आपको नीचे साइड पे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे हम होटल से मंगाते हैं वैसे ही, जैसे तंदूरी चूल्हा में हम बनाते हैं वैसे ही हमारा टेक्सचर आया। देखिए कितना अच्छे से बना है ये। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश है तो आपको इजी होगा बटर लगाना, अदरवाइज आप स्पून से भी लगा सकते हो। ये देखिए अच्छे से बटर लगा दीजिए, हो गया हमारा। देखिए मैं और बनाने जा रही हूँ सेकेंड वन। मैंने बेल के रखा है, इसमें मैंने काला जीरा और धनिया पत्ता भी लगा लिया। अभी अपोजिट साइड में हमें पानी लगाना है। पानी इसीलिए लगाया जाता है कि तावे के ऊपर चिपक के रहे, अगर तावे को छोड़ देगा तो फिर हमारा नान सही से बनेगा नहीं। दोबारा मैं डाल दे रही हूँ, ये हो गया लड डाल दिया मैंने। मिडिल हीट में चूल्हा को रखिए, ये बनने दीजिए। इसको थोड़ा सा आप साइड से प्रेस कर दीजिए क्योंकि जब हम इसको उल्टा करके चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट सिकाई करेंगे इसका तो ये निकल ना जाए। इसे पानी है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर निकल भी जाता है तो आप थोड़ा और पानी लगा दीजिए, फिर दोबारा उसी साइड को तवे के ऊपर डाल दीजिए। ये
देखिए अब हम इसको उल्टा करके सिकाई करना है इसके अच्छे से। आपको अच्छे से दिख जाएगा जब ये थोड़ा हमारा ब्राउन कलर होने लगेगा। अगर भी निकल भी जाता है तो डरिए मत, दोबारा पानी लगा के कर दीजिए, अदरवाइज आप चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट भी आप सेक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा। अभी मैं आपको इसको भी उल्टा करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से बन चुका है, सामने वाला भी देखिए। इसमें भी मैं बटर लगा देती हूँ। ये हमारा ये देखिए इसमें मैं बटर लगा दे रही हूँ। ये मेरा बटर नान है। मैं आपको गार्लिक नान भी बनाकर दिखाती हूँ। देखिए मैंने रोटी बेल के रखा है। इसमें अभी मैं जो लहसुन मैंने पूरा फाइन चॉप करके रखा था, हल्का सा मैंने लहसुन डाला, ज़्यादा हमें नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है जस्ट फ्लेवर के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल रही हूँ। देखिए फिर इसको हमें थोड़ा सा काला जीरा, थोड़ा सा ही डालना है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, ज़्यादा अमाउंट में हमें नहीं डालना है। फिर हमें इसको दोबारा बेल देना है कि सब सेट हो जाए रोटी के अंदर। अब हमें इसे उल्टा करके सेम प्रोसीड्योर पानी लगाना है। ये प्रोसीड्योर आपको सारे नान में यूज करना पड़ेगा, विदाउट नान बनेगा नहीं। आप ये चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए ये हो गया। अब मैं इसको डालने जा रही हूँ। देखिए मैं इसको डाल रही हूँ, मैंने डाल दिया। थोड़ा सा साइड से हम इसको प्रेस कर दे रहे हैं, इसे मैंने पहले भी किया था। ये करने से हमारा रोटी जब हम उल्टा करके सिकाई करेंगे तो हम निकलने का चांसेस कम रहेगा। देखिए इसको होने देते हैं। हम मिडिल आंच में आपको रखना है हमेशा, याद रखिएगा। अब देखिए इसको मैं उल्टा करके हमें इसको सेकना है। ये देखिए सेक करके चूल्हा आपको थोड़ा सा, अगर बीच में जरूरत पड़े तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ये आपको देख देख के ही करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से करना है आपको ये काम, क्योंकि इसमें लहसुन भी है। ये देखिए इसको मुझे और थोड़ा सा सेकना है, साइड से नहीं हुआ है। साइड साइड से नहीं हुआ था इसलिए मैं थोड़ा सा और इसका सिकाई कर रही हूँ। ये हो गया। अब मैं उल्टा साइड भी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए उल्टा साइड भी हमारा कितना अच्छे से हो चुका है, ये साइड भी हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें बटर लगा, देखिए इसमें मैं बटर लगा दे रही हूँ। ये हो गया हमारा गार्लिक नान। पहले मैंने आपको बटर नान लगा बना के सिखाया, अब ये हो गया गार्लिक नान। देखिए हमारा नान बन के रेडी है। मैंने बटर नान भी बनाया, गार्लिक नान भी बनाया। आप इसको घर में बनाइए, कोई भी मसालादार सब्जी के साथ इसको बना के खाइए, चिली आइटम इसके साथ बना के खाइए। ऑलरेडी मेरा चिली आइटम और पनीर सब्जी बहुत सारा मेरा वीडियोज है, आप उसको देख सकते हैं। घर में बनाइए, कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।